नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग आशियाना पावर हाउस चौराहे पे हैं। यहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ देख रहे हैं। 75 जिलों से 108 एम्बुलेंस कर्मचारी आए हुए हैं, जिनका कई महीनों से वेतन नहीं मिला, उनको निष्कासित कर दिया गया। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं किन मांगों को लेकर के वो यहाँ पे आए हैं। अभी बुला माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने को हमसे कहा कि हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन वो अपनी व्यस्तता की वजह से वार्ता नहीं हुई। तो लेकर के हम आज यहाँ फिर से जीवीके कंपनी के सामने हमने अपना धरना दिया। उस धरने में अभी अपने अपने जो सीईओ महोदया है, इन्होंने ऊपर शासन में बात की। कल माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में आ रहे हैं, पूरा शासन, मुख्यमंत्री, मंत्री सब वहाँ पर लगे हुए हैं, इसलिए अपनी वार्ता आज कल में संभव नहीं हो पा रही। माननीय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी वार्ता जल्द कराई जाएगी। हम आपके माध्यम से ही उस बात को आपके बीच में रखना चाहते हैं। आपकी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके संबंध में ऊपर वार्ता की गई कि आपको वार्ता के लिए बुला लिया जाए, आपके प्रतिनिधि मंडल को, तो ऊपर से आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही आपको समय लेकर वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने इस कार्यक्रम को, जो धरना प्रदर्शन है, इसको समाप्त करें और शीघ्र ही वार्ता के लिए आपको बुलाया जाएगा, इस प्रकार का आश्वासन हमें ऊपर से मिला है। जैसा कि आप लोगों को अवगत करा दूं कि माननीय जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि 2 से 3 दिन में आप लोगों की बातचीत कराई जाएगी, तो हम इनकी बात से आश्वस्त हैं और हम इनका जो आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन एक हमारा भी कहना है कि हम क्रमिक अनशन जो है अपने जीविके कंपनी के गेट के सामने क्रमिक अनशन करेंगे, जिसकी परमिशन माननीय जी हमें दे। और अगर हमारे क्रमिक अनशन करते करते हमारी बात हो गई तो ठीक, नहीं तो एक हफ्ता नहीं लगेगा, उससे पहले हम लोग अपना घोषणा करेंगे। घोषणा करके पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग जो है अपना कार्य बाधित करते हुए सारे लोग आंदोलनरत हो गए, जिसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनेगी। कहाँ से लोग आए जी? हम लोग पूरे 75 जिला से एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, हम लोग आए हैं। हम लोगों के पिछले 4 महीना पहले धरना हुआ था, जिसमें हम लोगों की बात जो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की बातें सुनी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उस आश्वासन के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके वजह से आज फिर सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। कितने जिलों से आए सब लोग? जी 75 जिले से आए हैं। क्या मांगों को लेकर यहाँ पे आए? हम लोगों की पिछली मांग थी कि हम लोगों का ओवर टाइम का भुगतान नहीं हो रहा, ओवर टाइम का भुगतान हो, जिसमें 4,500-5,000 के ऊपर कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, उन कर्मचारियों को बहाली सहित हमारा ओवर टाइम का भुगतान किया जाए, ये मांग है। जो हमारा आज आश्वासन मिला है उसके हम लोग क्रमिक अनशन चालू करेंगे, और क्रमिक अनशन करके एक हफ्ते के अंदर अगर हमारे लोगों की बात नहीं मानी गई तो अगले हफ्ते में हम लोग एक बड़ा आंदोलन, जिसमें पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और उसमें कार्य बाधित भी होगा, कार्य बहिष्कार भी करेंगे। कौन कौन से कर्मिक आए हुए? जी AMT पायलट, मतलब ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों लोग आए हुए हैं। सिर्फ एम्बुलेंस से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, बर्खास्त कर्मचारी, वही लोग आए हैं। तो मैम क्या क्या आश्वासन दिया गया है? बातचीत का आश्वासन दिया गया है, शीघ्र बात कराई जाएगी। आप क्या कहेंगे? जगह जगह से आज आश्वासन ये दिया गया है कि हमारी 2-4 दिन के अंदर वार्ता होगी, वार्ता करके इस समस्या का निस्तारण करेंगे। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही एक तरीका है, अगर हम केवल बैठे ही रहें तो भी तो ठीक नहीं है, इसलिए हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमको आश्वासन सरकार से मिला है तो हम उस पर पालन करेंगे, और नहीं होगा तो फिर से आएंगे।